नमस्कार आमर ओडिशा को स्वागत करुछि मु रुक्मिणी आसवा संपूर्ण खबर को खाकिरे कलंक पुलिस रो गुंडागिरी ससरे पुलिस बाबू को महंगा पड़ी सांबादिकों को आक्रमण तालबणिया थाना रु विदा होईछंती आईएसी रमाकांत पात्र वर्तमान तांकु जिला मुख्यालय रे अवस्थापित करा जायतिबा पुरी एसपी सार्थक सडंगी सूचना दैछंती गतकाली राजधानी देखिबा को मिलितला पुलिस बाबू रमाकांत पात्रंकर दादागिरी माताल अवस्था रे जणे कार्यरत सांबादिकों को करथिले मणांतक आक्रमण देखंतु एही विजुअल को केमिति उन्नत अवस्था रे आक्रमण करी चली छंती एही पुलिस अधिकारी आ आक्रमण रो शिकार होइथिले न्यूज 18 ओडिया रा प्रतिनिधि सुभगान पडिहारी पुरी एसपी सार्थक सडंगी घटना को दुर्भाग्यजनक कहवा सह घटना को गुरुतर सह नैछंती आईआईसी को विरोध रे आईन अनुजे कार्यनुष्ठान हेबो बोली एसपी प्रतिश्रुति दैछंती एने डीजी को मध्य अवगत करा जइबो बोली से कहिछंती যেহেতু সেটা ভুবনে কমিশনারেটে হয়েছি মু ডিসিপি সঙ্গে টাচে আছি এবং তাঁর যেটি হওয়ার কথা কার্যানুষ্ঠান সেটি গ্রহণ করা যাব এবং তা মু এটা আমার হেডকোয়ার্টার কু জনাইছি সে অনুসারে যা করা যা কথা আইনরে করা যায় এটা গোটে মানে দুঃখদ ঘটনা এমনি হওয়ার কথা নুহে কিন্তু যেহেতু ভিজুয়াল রে ঘটনাটা দেখা যাচ্ছে আমি তা তদন্ত করব এবং खाकिरे कलंक पुलिस रो गुंडागिरी शेषरे पुलिस बाबू को महंगा पड़ी सांबादिकों को आक्रमण तालबंडिया थाना रु विदा होईछंती आईएसी रमाकांत पात्र वर्तमान तांकु जिला मुख्यालय रे अवस्थापित करा जायतिबा पुरी एसपी सार्थक सडंगी सूचना दैछंती गतकाली राजधानी देखिबा को मिलिथिला पुलिस बाबू रमाकांत पात्रंकर दादागिरी माताल अवस्था रे जणे कार्यरत सांबादिकों को करथिले मणांतक आक्रमण देखंतु एही विजुअल को केमिति उन्नत अवस्था रे आक्रमण करी चली छंती एही पुलिस अधिकारी जनक आ आक्रमण रो शिकार होइथिले न्यूज 18 ओडिया रो प्रतिनिधि शुभकांत पडिहारी विजयपुर उपनिर्वाचन पूर्वरु गुळीमाड़ पड़ा गांरे बीजेपी कर्मी घर उपरकु होईछि गुळीमाड़ गुळीमाड़रे अल्पके बर्तिले मनोरंजन मेहनक परिवार लोके किछि दुर्वृत्त मनोरंजन घर उपरकु तीनि राउंड गुळी चढ़ाई फेरार होइ घटनास्थलरु दुईटी खोका जबत करी पुलिस छानबीन आरंभ करिछि दिल्लीरु फेरिले पूर्वतन पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक दिल्लीरु फेरिबा परे निरंजन कहिछंती एआईसीसी पक्षरु जारी होइतिबा विज्ञप्ति रे कोनोसी नूतनत्व नाही एणु ओडिशा पीसीसी सभापति पदकु नै चर्चा करिवार कारण नाही एबे ओडिशा पीसीसी सभापति बदलिबे नाही बोली एआईसीसी पक्षरु विज्ञप्ति जारी हेबा परे दिल्ली जाइथिले निरंजन आमे कोनो राजनीति कलु बोली दिल्ली जाई परिबुनी आमर व्यक्तिगत काम किसी ना ये कुआ उड़गला ताल पड़गला से मुझ दिल्ली गला गोटे कौन ए सी तो नोटिफिकेशन कही परिवर्तन हे नहीं जी कौन मत डक पचारना मत कहीं डाक ना मोर जहाँ व्यक्तिगत काम था जो काम जाइली आलोचना कल पलि नीति आयोग बैठक को जिलापाल नजिबा एवं जिलारे प्रभारी नियुक्ति प्रसंगे मुहांमुही होईछंती बीजेपी एवं बीजेडी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिछंती विकास कामरे राजनीति न हेबा उचित हेले बीजेडी कहिछि जिलापाल थिबाबळे प्रभारी नियुक्ति राजनैतिक अभिसंधिमूलक एवं यहा जिलापालांक उपरे दंड भळी सेपटे कांग्रेस कहिछि उभय दल माटी अपेक्षा दल पई चिंता करूछंती ओडिशार विकाश को नहीं राजनीति नीति आयोग राज्य को नजनाई जिलापाल बैठक को डाकी तेणु सरकार निर्देश में बैठक को जा जिलापाल प्रसंगे सरकार को टार्गेट करेंद्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नीति आयोग राज्य मुख्य शासन सचिवों संपर्क में अच्छा देशर 115 जिलार विकास होगा से रायगड़ा बलांगीर कलाहांडी गजपति ढेंकाना कोरापुट मलकानगि कंधमाल स्थान पाई नवंबर 14 रे नीति आयोग सीईओ चिठी माध्यम रे राज्य मुख्य शासन सचिव को एक तेरे राज्य मुख्य शासन सचिव कहा चापरे काम करुछंती प्रश्न करिछंती धर्मेन्द्र प्रभारी नियुक्त होइथिबा वरिष्ठ आईएएस माने जिलार विकास काम तदारक करिवे तेणु विकास को नहीं राजनीति न हो बोली कहिछंती केन्द्र मंत्री माननीय मुख्यमंत्री को करबद्ध निवेदन करुछि दलगत राजनीति रु
आपको आसिकी संघीय व्यवस्था ओडिशा को एक नंबर करिवार आम उभयंकर दायित्व अच्छी समस्त प्रचेषार आवश्यकता अच्छी मोर आशा ये 115 आस्पिरेसनाल डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान रे ओडिशा जोगदेव एटा मोर आज निवेदन सेबड़े धर्मेन्द्र को जवाब देछि बीजेडी दल कहिछि जिल्ला रे जिलापाल थिबा बेले वरिष्ठ आईएएस को प्रभारी नियुक्ति राजनीतिक अभिसंधिमूलक प्रभारी नियुक्ति जिलापाल दंड भली तबे कांग्रेस कहिछि उभय बीजेडी एवं बीजेपी राज्य अपेक्षा निज दल कथा चिंता करछन्ति जो राज्य सरकार जो निष्पत्ति नेले ठीक निष्पत्ति नेइछन्ति प्रगतिर विरोधी नु आमे एवं प्रगति राजनीतिर उद्धार रहिबा उचित आमे भी कहुछु सेथिपाई स्पष्ट एवं खोला मानसिकतार आवश्यकता अछि जोटा कि प्रभारी नियुक्ति रे आमे सेबले खोला मानसिक माने प्रगति को आगे नेबा में खोला मानसिकता देखु नाहु बीजेपी ये 8 जिले पर्यवेक्षक देकर ये कूटर नीच राजनीति करुछन्ति ये एक दुर्भाग्यजनक कथा एवं नवीन बाबू कलेक्टर मान को न पठेबा ये एक दुर्भाग्यजनक कथा 2022 सुधा प्रधानमंत्री नवभारत निर्माण परिकल्पना करिछन्ति यहाँ आखिरी रखी नीति आयोग पक्षर देशर अन्य जिलापाल ओडिशार जिलापाल बैठक को डक जा भुवनेश्वर कैमरामैन प्रशांत पात्र शिवानंद दास और थवीर सामल न्यूज 18 ओडिया महानदी को नहीं उपजीता सपरिस्थित उभय बीजेडी और बीजेपी को दायी करिछि कांग्रेस महानदी प्रसंग को नहीं बीजेडी बीजेपी और केन्द्र उपरे बर्षिछन्ति पीसीसी सभापति प्रसाद हरिचंदन राज्य कांग्रेस भवन में आयोजित सांबादिक सम्मेलन में प्रसाद कहिछन्ति जे बीजेडी और बीजेपी राज्यवासी को प्रतारित करुछन्ति उभय दल पूरा प्रक्रिया को जाणीशु विलंबित करुछन्ति सेपटे केन्द्र भी जाणीशु विवादर समाधान करूना एथसह केन्द्र तुरंत छत्तीसगढ़ ब्यारेज काम बंद करू बोली प्रसाद दाबी करिछन्ति यहा बाद पूर्णी मुनहे आमे संकल्प दोहराइछन्ति प्रसाद समस्तन को सांगरे नै काम करा जीव बोली से कहिछन्ति केन्द्र मंत्री केन्द्र जल संपद मंत्री श्री नितिन गडकरी कहउछन्ति गठन करा जीव नुवा आइनी हेले ए समुदाय घटना को जदि आपण खोला आखिरे भी देखिबे निरीखे देखिबा दरकार नाही बुझा पड़ुछि किभलि भाबरे ए घटना को केवल गड़ई नबा पाई महानदी को नै राजनीति उभय बीजेडी एवं बीजेपी करुछन्ति आसवा परवर्ती खबर को जायका जंत्रणा रे हंतसंत हेउछन्ति कटक बासिंदा केउठी रास्ता कम चली तो आउ केउठी मुकुला पड़ी निर्माणाधीन ड्रेन अधपंतरिया काम जोगु सहर रे ट्राफिक जाम हेबा सह घटुची छोट बड़ दुर्घटना अव्यवस्था नहीं बारंबार जायका कर्तृपक्ष दृष्टि आकर्षण करम सरुनी 700-2300 कोटी पहुंचला प्रकल्प खर्च बाउन बजार आउ तेपन गलीर सहर कटक्रे मुंडबिंधा साजिछि जायका प्रकल्प काम आज जो गली लोके जाइथिबे सकाळ पाहिला बेले ता बंद दीर्घ दिन धरी कटक सहर रे जायका पक्षरु चालुथिबा काम जोगु लोके नाही नथिबा असुविधा भोगुछन्ति फुंगुला पड़िथिबा गर्तगुडीक निकटरे कोनोसी साइनबोर्ड नाही खालरे पड़ी लोके मृताहत मध्य होइछन्ति दुई दिन तले जोब्रारे जायका निर्माण स्थल रे दुर्घटना घटि जणे शिशुर मृत्यु मध्य घटिछि बहुत हैरान पिला माने जीव आसवा कष्ट हो गला आ गोटे जगार खोली के आ गोटे जगह खोलत जो थे लोक असुविधा ना हो सब आड़े खोली दौरान जो थे आमको बहुत असुविधा होमती कि जो रोड आपड़ गोटे धर इमरजेन्सी कम कड़े गोटे जी बाहर भी से कौन ना आप भाभी पारे आगे गोटे खोला होता मैंने सियोरली होता गोटे इमरजेन्सी कम होगा रास्ता खोल गड़ी कहते गोटे जिस कम्प्लीट नहीं गोटे जगह आज ये कम्प्लीट है दूसरे जगह देखते सहरर जलबंदी समस्थार स्थायी समाधान पाई राज्य सरकार एहार एक दीर्घसूत्री योजना प्रस्तुत करिथिले 2009 मसीह रे ठीका संस्था जायका को सहरर ड्रेनेज एवं सुरेज व्यवस्था सजाड़ीबा को दायित्व दिया जायथिला एहा भितरे गोटिए दशंधि बितिलानी प्रकल्प कार्य 700 कोटी रु 2300 कोटी रे पहुंचिलानी हेले सबु कच्छप गति रे चलीछि एहा कु नै असंतोष व्यक्त करिछन्ती ग्रामवासी आमे त असुविधा छै गाडी त आसी पारु नै चलिक जाऊ आस जिन पत्र आणुचु नौ खोली देला बेल आम पचारूँ से कहले हाँ आम निश्चय कम करूँ किंतु टाइम अनुसार केत मूल्य आसे मिस्त्री ना के खोल फिर से खोलला हईराण सब
ଏନେଇ ଆମେ ଜାଇକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦୁବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ, ବ୍ରେକ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ଯୋଗୁଁ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପାରଦ 5 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହିଛି। ଆହୁରି ସପ୍ତାହେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି ପାରଦ। ଖାଲି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କାହିଁକି, ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ସକାଳ 8 ଆଗରୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ଶୀତ ଲାଗି ରହିଲେ ପୁଣି ତୁଷାରପାତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳର ଶୀତ ସହ ତୁଷାରପାତର ମଜା ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଦିନବେଳେ ବି ଚଲାବୁଲା କରିହେଉନି, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମର କେମିତି ନିଆଁ ଲଗେଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଛି ଏଠି କ'ଣ ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ, ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶୀତକୁ ରିଅଲ୍ ଏଠି ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି। ତୁଷାରପାତ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ବି ଏବେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପଟା ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବଳୟରେ ରହୁଛି ରାଉରକେଲା। ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଁ ପୁଇଁବା ସହ ଚା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଏମିତି ନିଆଁ ଫିଆଁ ଜାଳିକି ତ ବସିବା କଥା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଯେ ସକାଳେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କମେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକଦମ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଥଣ୍ଡାର କ'ଣ ହେବ, ଥଣ୍ଡା ତ ଅଛି ଆଉ। ମାଲକାନଗିରିରେ ବି ଡରାଇଛି ଶୀତ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ଫୁଲବାଣୀରୁ ସଦାଶିବ ପାତ୍ର, ରାଉରକେଲାରୁ ଅବନୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ତାମିଲନାଡୁ ଭେଲୋରରୁ ଓଡ଼ିଆ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍କୁ ପଛପଟୁ ଟ୍ରକ୍ ପିଟିବା ଫଳରେ 3 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିରୁପତି ଓ ଭେଲୋର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ। ରାୟଗଡ଼ା, ବିଷମକଟକ, ରାମନାଗୁଡ଼ା ଓ ଦୁର୍ଗୀର 40 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏକ ବସ୍ ଯୋଗେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜଗମୋହନର ଡିଜାଇନ କାଠ ସିଲିଂ, ଏହାକୁ 2 ଟ୍ରକ୍ରେ ଅଣାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେପଟେ ଜଗମୋହନରେ ଲାଗିଥିବା ପୋର୍ଟାଲ ଫ୍ରେମ୍ରେ ପଥର କ୍ଲାଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସିଲିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶହଶହ ବର୍ଷ ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଗମୋହନ ଛାତକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କାଠରେ କରାଯାଇଛି ସିଲିଂ। ବର୍ମାରୁ 2 ଇଞ୍ଚ ଓଷାର 300 ସିଫ୍ଟ ଶାଗୁଆନ କାଠକୁ ଅଣାଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାର କାମ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ 9 ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଫୁଲ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି। ମଝି ବଡ଼ ପାତ୍ରଟି ବର୍ଗାକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲମ୍ବ ଓଷାର 12 ଫୁଟ ଲେଖାଏଁ ରହିଛି। ଜଗମୋହନ ସିଲିଂରେ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି 9ଟି ଯାକ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖଞ୍ଜାଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଖୋଲାଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଫିଟିଂ କରାଯିବ, ଆଉ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସିପିଏମ୍ର 21ତମ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ପଲିଟି ବ୍ୟୁରୋ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବରିଷ୍ଠ ସିପିଏମ୍ ନେତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପତି, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଳି କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନ୍ ରୋଡ୍ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଆଦି 3ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବୁଲି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପତି ଦଳୀୟ ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ରାମଲିଙ୍ଗମ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଛକରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଜନସମାବେଶ। ଏଥିରେ ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବୁଲି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ଅବସରରେ କୃଷି, ଶ୍ରମ, ଶିକ୍ଷା, ବେକାରୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ 9 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ।
नीतियों के आधार पर इकट्ठा करके आज इस सांप्रदायिकता के आधार पर जो टिकी हुई है केंद्र सरकार मोदी साहब की, उसको सत्ता से हटाना जरूरी है। बीजेडी शासन रे ओडिशा तळतळंत है नहीं कहू नहीं, किंतु ओडिशार विकास घटला नहीं। विकास घटला माने देखिबे जे ओडिशा रे शिक्षा क्षेत्र रे स्वास्थ्य क्षेत्र रे किसी परिवर्तन घटला नहीं। सम्मेलन आहुरी तीन दिन धरिक चलो 9 तारीख पर्यंत। यह सम्मेलन में ओडिशार राजनैतिक सामाजिक अर्थनैतिक परिस्थिति संपर्क में आलोचना कर विशाखापटना श्रीचैतन शिक्षानुष्ठान सहपाठी रागिंग में संबलपुर गड़पोषर युक्त दुई छात्र श्रेयस मृत्यु होने गड़पोष उत्तेजना देखाई कार्यानुषान दावी में परिवार लोके थाना इतला देते मामला विशाखापटना को हस्तांतर होसपी कहते सेपटे सब प्रकार तदंत को सामना करने को प्रस्तुत या कलेज कर्तृपक्ष रागिंग नेला छात्रंक जीवन विशाखापाटनार एक घरै शिक्षानुष्ठानरे सहपाठीक रागिंगरे संबलपुर गड़पोषर श्रेयस केशरवानीक मृत्यु होईछि। एहाकु नै उत्तेजना गड़पोष बंद अभियुक्तंक विरोधरे दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबीरे पोड़ाजला शब रखी रास्ता अवरोध घटना पई शिक्षानुष्ठान कर्तृपक्षक अवहेलाकु दायी करिछन्ति परिवार लोके दायी अधिकारीक विरोधरे तुरंत कार्यानुष्ठान पई दाबी करिछन्ति। एकमात्र पुत्र को हराई थिबारु श्रेयसंक परिवार को उपयुक्त क्षतिपूरण देबाकु दाबी करिछन्ति स्थानीय विधायक। ताको एते टॉर्चर के जने इंटरनल इंजरी दाबी होई छ सेठी ताको बाथरूम ने नै कि पटकी के ताको पानी ने मारि छथि तो 2-3 दिन साठी पड़ि छ आ कॉलेज कतो बसे किछि ताको आ नेले रे छै किछि ओ सामने लेनी हमहु के एटली सेम ने इन्फॉर्म करले श्रेयस केशरवानी जहार मृत्यु होई छ तार केवल बापा माँ अच्छा ताकर बापा माँ प्रतिपोषण करने से एकमात्र संतान थी संपूर्ण दायित्व ताकर बापा माँ संपूर्ण दायित्व सरकार बहन करने आम दाबी करु। पुलिस कार्यानुष्ठान प्रतिश्रुति पर हटी रास्ता अवरोध परिवार लोके एतला देवा गड़पोष फांडी में मामला रुजु होती घटनार तदंत विशाखापाटना पुलिस को यह मामला हस्तांतर हो संबलपुर एसपी संजीव अरोड़ा एफआईआर रुजु पर घटना को गुरुतर निजाई बामरा थाना अधिकारी एटी जो अकरेन्स अभियोग अभियोग पत्र रिसीव केस रजिस्टर कर ऑन द पॉइंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन एफआईआर को ट्रांसफर करिवो एवं इन्वेस्टिगेशन जेते तुरंत स्टार्ट हे परिवो एवं अभियुक्त मान को गिरफ्त करा जाई परिवो से ऊपर तुरंत स्टेप लो। सर रैगिंग ऐसा हो नहीं होगा तो ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है प्रोफेशनल कॉलेज नहीं है ये तो प्लस वन प्लस टू हाई स्कूल है। एजुकेशन के बारे में हम भी इंक्वायर कर रहा है तीन बच्चे का नाम भी बोल दिया वो उसका फैमिलीज भी हम इंफॉर्मेशन भेज दिया इंक्वायरी हो रहा है। एकमात्र पुत्र को हराई बापा माँ बाक शून्य गड़पोषरे शोकाकुल परिवेश संबलपुर कैमरामैन कृष्णचंद्र त्रिविक्रम प्रधान न्यूज 18 ओडिया। लालबाहिनी भयरे भिटामाटी छाड़िले गाँ लोके मुख्य स्रोत में सामिल होगा पड़ा महंगा शीत राति ट्राक्टर में बोही जाउछंती मालकानगिरी जिला करुवा गांव दुई परिवार पुलिस संपर्क रखिथिबा अभियोग रे प्रजाकोर्ट में दोषी सब्यस्त करिबा सह 15 दिन मध्य घर छाड़ धमक देते शेषे ए निष्पत्ति पीड़ित परिवार मालकानगिरी एसपी कहते पीड़ित परिवार को प्रशासन पक्ष समस्त सुविधा सुजोग जोगाइ दिया। बर्षा जोगु केपटाउन टेस्टर तृतीय दिन खेल बातिल होछि पूरा दिन में गोटे भी बॉल खेल संभव होना बर्षा जोगु तृतीय दिन सका खेल संभव हो पारिनथिला सेपरि मध्यान भोजन एवं चा पान विरति पर भी खेल संभव नहेबारु अंपायर पूरा दिन खेल को बातिल कर दिया जाइछि। पूर्वरु वर्षा हेबा नै पानीपाग विभाग पूर्वानुमान करथिला दक्षिण आफ्रिका द्वितीय इनिंग्स रे 2 विकेट हराई करिछि 65 रन आउ टीम इंडिया निकटरु दल 142 रन आगुआ रहिछि। चतुर्थ एवं पंचम दिन में संभव हेले 98 ओवर खेल प्रथम इनिंग्स रे दक्षिण आफ्रिका 286 रन करथिबा बळे भारत 209 रन रे ऑल आउट हो जाइथिला। समय से सोइछि हमर ओडिसा को एठी रखुछु नमस्कार।